It's a complete NCQ system. Now the problem is, when I graduated and then I went for my post-graduation to England, there was a big difference. Because that system is tough. And here I was getting A+. There I hardly got C. So the MCQ system, is it the reason for our downfall? ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन ये कि जो हमारा इम्तिहान का सिस्टम है वो एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम है, और क्या ये एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम की वजह से हमारा असेसमेंट जो है वो गलत हो रहा है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे चाय सर्व की थी। अच्छा, चाय मेरी जरूरत थी उसको, मुझे बड़ा दिल चाह रहा था और चाय से थकावट दूर हो जाती। अच्छा, जब वो चाय आई ना तो बड़ी ठंडी थी। अच्छा, अब वो चाय जब ठंडी थी ना तो अब वो मेरी जरूरत पूरी नहीं कर रही। अच्छा, उसमें चाय का कसूर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो बनी हुई थी ना उसका कसूर था। बात जब वो गर्म करके ले आए ना तो वो एकदम मैं बड़ा फ्रेश हूं। इसी तरीके से ये मैं आपसे अर्ज किया था, ये मिलर्स ट्रायंगल आपके एब्सेंस में मैंने ड्रा की है। जो हमारा नॉलेज है ना, इस नॉलेज को, नॉलेज बाय डेफिनेशन इसकी बड़ी बहुत ही एक ब्रॉड डेफिनेशन है। नॉलेज की डेफिनेशन ये है, एक्विजिशन ऑफ समथिंग न्यू और विच इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन, यानी चीजों की मेमोरी के साथ, स्किल के साथ, एटीट्यूड के साथ, जिसके नतीजे में क्या हो, या तो हमें कुछ चीज नहीं पता चल जाए, या पुरानी चीज स्ट्रेंथन हो जाए, या हमारे अंदर एक स्किल पैदा हो जाए, या स्किल का पोटेंशियल पैदा हो जाए। यानी मुझे अपेंडिक्स एक्ट में पढ़ा दी, मैंने किया नहीं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल मौजूद है मैं कर सकूं, या हमारा वैल्यू सिस्टम रिवाइज हो। ये नॉलेज की पूरी डेफिनेशन है। अच्छा, जब हम इम्तिहान ले रहे होते हैं ना, तो बुनियादी तौर पर हमारे इम्तिहान को चाय ठंडी बनी हुई थी, कसूर चाय की पत्ती का नहीं, बनाने की टेक्निक का कसूर है। मिलर ट्रायंगल ये कहती है कि इसकी बेस है नॉलेज, जो कि फैक्चुअल आपकी जैसे स्पेशलिटी में पता हो, मसल कहां अटैच है, बोन्स की क्या रिलेशनशिप है, नॉर्मल एंगल क्या होते हैं, अब ये पता होना जरूरी। दूसरा इसका, इसको कहते हैं नोज, वेदर ही नोज होना। दूसरा स्टेप है नोज हाउ, यानी ये बच्चों नॉर्मल बिलरुबिन कितना होता है, इतना, अगर बिलरुबिन 6 है तो उसका क्या मतलब है, कहते हैं जी जॉन्डस है। दूसरे स्टेप में उसको पता हो कि बिलरुबिन 6 हुआ क्यों है जॉन्डस के अंदर, व्हिच का मतलब है नोज हाउ। दूसरा इसका लेवल है शोज, अब वो इसको डेमोंस्ट्रेट भी कर सके उसकी रीजनिंग को। और आखिरी है डज, वेदर वो करता है क्या करता है। जो एमसीक्यू है ना वो सिर्फ इस दो एरियाज को चेक करता है, नोज को और नोज हाउ को। वो भी तभी चेक करता है जब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर C3 के लेवल, कॉग्निशन के 6 लेवल है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है बताइए? इस्लामाबाद। एक ऐसा मुल्क है जो जनूब एशिया के अंदर है, जो कि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, उसके दारुल हुकूमत का क्या नाम है? क्या नाम है? इस्लामाबाद। ये बताइए कि 1940 से लेकर 1950 के दरमियान कुछ मुल्क आजाद हुए हैं, उनमें से बहुत सारे मुल्क रीजनल बुनियादों पे आजाद हुए, कुछ लोग कुछ नजरियाती बुनियाद पे आजाद हुए हैं, उनमें से एक मुल्क का, उस मुल्क का दारुल हुकूमत क्या है? देखिए, तीनों सवालों का जवाब है इस्लामाबाद। लेकिन पहला सवाल जो है वो C1 के लेवल पर चेक कर रहा है, दूसरा C2 के लेवल पर चेक कर रहा है, तीसरा C3 के लेवल पर चेक कर रहा है, हालांकि जवाब उसका इस्लामाबाद है। अब आपकी मेमोरी कौन है, इंडिया का कौन सा है, दिल्ली, ईरान का कौन सा है, तेहरान, पाकिस्तान का कौन सा है, इस्लामाबाद। अब ये सिर्फ चेक हो रहा है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है उसमें एमसीक्यू हमने बनाए इस तरह तरीके से, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन हो रही है। जब हम इस तरह से सवाल बनाएंगे जिसके अंदर एम्बिग्युटी और उसके अंदर डाउट्स क्रिएट करके आपकी एनालिटिक फैकल्टी चेक हो रही होगी, तो उस वो नोज हाउ के लेवल को चेक करेंगे। अच्छा, अगर हम बहुत अच्छा एमसीक्यू बनाने वाले हों तो हम इवन C6 तक सिंथेसिस पे जा सकते हैं, मगर उतना एमसीक्यू बनाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा एमसीक्यू का रोल, अच्छा इसमें तो मैं बात लंबी हो रही है, जिस वक्त हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसके हम बनाते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, और उसके बनाते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स। उसमें से हम कहते हैं, फर्ज करें अपेंडिसाइटिस हमने पढ़ाना है, डिजीज रिलेटेड टू अपेंडिक्स पढ़ाना है, तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें कॉग्निटिव का एलिमेंट कितना होगा, इसके अंदर स्किल का एलिमेंट कितना होगा, इसमें एटीट्यूड का। हम कहते हैं कॉग्निशन का 10 होगा, स्किल का 80 होगा, इसका 10 होगा। अब जब हमने पढ़ाया था तो पढ़ाने का 80% टाइम स्किल से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, जब हम इसका असेसमेंट प्लान बनाते हैं
तो एमसीक्यू सिर्फ होने ही 10% चाहिए, 80% स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, 10% उसके साथ रिलेटेड हो चाहिए। तो आपको एम्बिग्युटी और परेशानी इसलिए हो रही है कि आपके इस वाले डोमेन को, इस वाले डोमेन को और इस वाले डोमेन को भी चेक करने के लिए सिर्फ एमसीक्यू यूज हुए हैं। और नंबर दो, जो एमसीक्यू यूज हुए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन चूंकि हमें आती नहीं है और हम एक रैंडम टीचर को कहते हैं हम ये 15 एमसीक्यू बना के भेज देना, वो एमसीक्यू सी लेवल के हिसाब से, वन के हिसाब से बना देते हैं। तो ये है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि असेसमेंट कैसे करें। तो आई एम श्योर कि कुछ आपको क्लियरिटी होगी, काफी क्लियर। और जितने हम मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं हम सबको ये चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए तो आप ना यार्ड स्टिक चेक करके जब स्टूडेंट को आप डॉक्टर बना के बाहर भेज रहे हैं तो हमें उसकी यार्ड स्टिक तो होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बस बात खत्म करता हूँ। एक ना चीज है जो है कलमा, असेसमेंट का कलमा है, यानी उसका मेडिकल एजुकेशन है, हर एजुकेशन का सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके बाद असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद अवैल्यूएशन होती है, अवैल्यूएशन के बाद फीडबैक होती है। हमारा सारा का सारा काम सिर्फ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी पे है कि आप 20 साल से टीचर है ना, वो यार बैच आ गया क्लास का, जाके पढ़ाए क्या पढ़ाओ, वो यार कुछ पढ़ा दो उसको, कुछ कोई पढ़ा दो, जाओ जाओ जैसे करो थायराइड पढ़ा दो। अच्छा, अब आपने इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी पे की है, इसके पीछे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था वो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है। और जब हमने असेसमेंट किया है तो आप कौन है जी, मैं सर्जरी का प्रोफेसर हूँ, कितने साल हो गए, 30 साल वाइवा ले रहे। मैं कहता हूँ यार मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं वाइवा नहीं ले सकता। हाँ अचानक मुझे ख्याल आया, ये बताओ थायराइड ब्लड सप्लाई क्या होती है। उसने कहा जी थायराइड ब्लड सप्लाई थर्ड आर्टरी इनफीड थर्ड आर्टरी और कोई और नहीं। अच्छा ये बताओ कि ब्लीडिंग पलेक्टिव की क्या कॉजेज है। उसने कहा इतनी कॉजेज, चलो जाओ। अच्छा अब मैंने ये असेसमेंट किया उसको, ये असेसमेंट ना मेरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी के साथ मैच कर रही है और ना मेरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही है, इसलिए डिजास्टर क्रिएट। तो ये सब चीजें हमें, इसको कहते हैं अलाइनमेंट, कि जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के साथ मैच करें। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी असेसमेंट का, असेसमेंट पर हम स्टूडेंट को फारिग कर देते हैं, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आए सारी फैकल्टी बैठे और अवेलुएट करे कहां हमसे गलती हुई है, उसकी बेस पर फीडबैक बनाए और फीडबैक जाके उसको दे दें। ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।